الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے शाम को सात बजे से आठ बजे तक लाइव हुआ करता है और फिर बाक़िया हफ़्ते में मुख्तलिफ अवकात में इसको रिपीट भी किया जाता है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों को भी रिपीट किया जाता है और फॉर्मेट आपको पता है कि इब्तदा में आपकी तरफ़ से सवाल होते हैं आपकी तरफ से कमेंट्स, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ज़रूरी जो आप शेयर करना चाहते हैं और हमारी तरफ से जवाब होता है कोई नसीहत कोई एडवाइस हुआ करती है दिस प्रोग्राम आवर्स इट्स लाइव एवरी मंडे सेवन ओ इन द इवनिंग टिल एट ओ and एंड throughout थ्रू आउट द वीक डिफरेंट इंटरवल्स द are आर For the benefit of those who can't be present now or those who have different time zones around the world. And the format you are well aware is we begin with a short bayan on a specific topic and then it's questions from yourselves, any observations, comments, and replies, answers from our side, any piece of advice, etc. और मौजू हमारा चल रहा था सहाबा इक्राम रिदबानल्ह मज़मैन की वो सिफ़ात के नबी करीम सल वसम ने उनकी तरबियत फरमाई और उसकी वजह से माशरती तौर पर वो कामयाब तरीन सोसाइटी कामयाब तरीन मुजतम बने और मिन जुमला उनमें से एक अहम सिफत जिसके ऊपर बातचीत हो रही है वो ये कि अपनी दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठे साइड बाय साइड जानब बजानब शाना बशाना उसको चलाते रहें दीन पर भी पूरे तौर पर अमल करते रहें दीन का कोई हिस्सा न छोड़ें लेकिन साथ साथ अपनी दुनिया को भी हलाल तरीके से कमाएँ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहें लोगों ने पिछले इस ज़माने के अंदर क़रीबी वक़्त के अंदर दीनी अमूर को अलग कर दिया है और दुनियावी जो ज़रूरियात हैं उनको अलग कर दिया है वरना पहले ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर बहुत क़रीबी ज़माने तक मुसलमान की ज़िंदगी पूरी की पूरी वो दीन ही हुआ करती थी ये जो दो अलग रास्ते कर दिए ये अभी अभी कुछ सौ डेढ़ सौ साल हुए वरना इससे पहले हमेशा इस तरह होता था कि आपकी जो दुनियावी जरूरतें हैं वो भी दीन का एक हिस्सा थी जब आप कमाने के लिए जाते तो वो भी दीन का हिस्सा जब आप अपनी ख्वाहिशात को पूरे करते इज्दवाजी ताल्लुक होते मियाँ बीवी की थे वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदला है तुम्हारे दीन का हिस्सा है वालदेन के साथ वक़्त गुजारते उनको खुश करते ये भी दीन का हिस्सा अलाद के साथ वक़्त गुजारते उनकी तरबियत करते इसको भी दीन बना दिया अपनी चहलकदमी के लिए आप बाहर जा रहे हैं फसीरू फिल रुफिलआरद तो क़रना करीम ने हमें हुक्म दिया है कि अगर उसको भी सही तरीके से करते रहो तो वो भी दीन का हिस्सा घर के अंदर आप खाना पका रहे हैं अगरचे हमारी ज़रूरियात हैं लेकिन वो भी दीन का हिस्सा आप अपनी सवारी के ऊपर चल रहे हैं सवारी आपने रखी हुई है सही तरीके से रखी हुई है दीन का वो भी हिस्सा उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलता है तो अगर हम देखते हैं सा, और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फ़रमाया कि जो दुनियावी चीज़ों पर अमल नहीं करता और ये सोचता है कि मैं अपने दीन पर पूरा अमल करूँगा गोया कि उसने पूरे दीन पर अमल नहीं किया इसी वजह से तीन सहाब रदवान मज़माइन के बारे में सही हदीस है रवायात में आता है कि वो आप वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए और सयदना आयशत सद्दीक़ा रदी अल्लाह ता से आप सल्ला वसम की ज़िंदगी मतहरा के बारे में पूछने लगे कि नबी पाक सल्ला वसम कितनी इबादत करते हैं उमुलमीन सईदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं घरेलू काम जो हैं उसके अंदर भी हमारी हेल्प करते हैं हमारी मदद करते हैं हत्ता के हज़रत आयशा ने फरमाया कि वो जब झाड़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देते हैं घर के जो खाने पकाने की चीज़ें होती उसके अंदर भी मदद करते हैं हत्ता कि अगर कोई चीज़ गाँटनी हो सो करनी हो जूते के गाँटने तक फरमाया वो भी उसके अंदर भी हमारी मदद करते हैं और लेकिन फिर जब रात का वक़्त आता है तो मसल्ले के ऊपर सवार भी हो जाती हैं तहज के अंदर अक्सर रात गुजार लेते हैं दिन के अंदर आपने देखा कि आप लोगों के साथ पूरे दिन किस तरह सहाब कर के साथ मशगूल होते हैं कन्ना हदीस के अल्फ़ हैं जब हज़र आयशा सद्दीक़ा ऱी अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलीम की इबादत के बारे में बतलाया और बतलाया कि रात को भी इबादत दिन में भी आप लोगों के साथ भी हकूक़ल इबाद पूरा करते हैं अजवा मतहारात के भी हकूक़ पूरे करते हैं मौका होता है मंडे के दिन सैजडे के दिन रोज़ा ही रोज़ा रखते हैं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत इतनी ज़्यादा समझी कि अपनी इबादत को बहुत हल्का समझ लिया कि हमारी तो इबादत है ही नहीं हम तो कोया दीन पर अमल करते नहीं नबी पाक अलैहि वसल्लम कद गफ़रहु कद तादिन जम्बे आख़र नबी पाक स गुनाह अल्लाह है ही नहीं लेकिन अगर हो भी तो अल्लाह इज़्ज़त ने उनको पहले से माफ़ कर दिया है अल्लाह इज़्ज़त ने इन्ना फ़तह नकफत मुबीना लकफ फिर मतदम बेकवमा तर कि आपकी ग़लतियाँ गुना है ही नहीं लेकिन अगर बिलफर्ज़ और महाल होती भी तो अल्लाह ने पहले से उनकी माफ़ी का एलान कर दिया लेकिन इसके बावजूद नबी पाक सल्ला वसलम इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं उनको उस वक्त महसूस हुआ कि ओहो हमने गोया दीन के ऊपर अमल किया ही नहीं इसके मुकाबले में थे आई वॉज जस्ट मैं प्रोफेसल्लाज वेल एज दुनिया एंड दई वे वॉज द फ्रॉम द टाइम ऑफ रसूल सल्हुस दहाबा Until very recent, there was no such thing as this is deen and this is dunya. The whole of your life, the whole of your day was transformed into deen. It was transformed. So, oh, those things that we did to satisfy our desires, our worldly needs, they were also part of deen. They were absorbed into deen. So, for example, if a person went out to earn his or her living and they've done that with a good intention, that is part of your deen, that is part of your faith. A person is marrying and satisfying their carnal desires, their own internal desires they're satisfying, they're doing this correctly, that is also part of deen, that is also faith and you will be rewarded upon this. A person is spending time with his or her parents, with their children, all those good actions that you do, and you feel these are our internal needs or these are basic human needs. You are going to visit somebody who is sick, who is ill, somebody who has passed away, you attend their funerals, something that we do out of our human instincts but dean has incorporated that in it and absorbed that to such an extent you will be rewarded on that. so that's why dean, it was the whole life of a human being and you was to be rewarded. only very recently, 150 years ago, people began to differentiate both of them. and that's why the instance that i was alluding to and given an example of, the three people came to the house of Rasulullah and they asked Sayyidina Aisha Siddiqa, O oh, Aisha, tell us about the worship of Rasulullah. Give us some examples, enlighten us. And Ummul al the mother of the believers, Sayyidina Aisha Siddiqa, تعالى, when she began to explain how the Prophet, وسلم, when he would come home, he would assist in the household affairs. If it was cleaning, he would join in and he would help to clean the house. If it was something to do with cooking, Rasulullah would assist and help and support with the cooking. To such an extent, it's mentioned in the hadith that at times the Prophet would begin to sew up certain clothes or shoes or things that needed mending. He would help with that. Yet in the outside world, he was the commander in chief of a huge army. The Prophet of Allah, he's doing these things. And then she said, when night would befall, he would stand in tahajjud. Almost most of the night, most of the night he would spend in tahajjud. Huge amounts of time in sajda very long ruku and when these people these three sahaba they heard this they began to feel very belittled that what kind of ibadah are we doing if this is the prophet of allah who's never committed a sin but allah has announced that even if you had allah has forgiven them yet his lofty status he's performing such ibadah

इतनी इबादत नबी ने की हम तो गोया कुछ इबादत करते ही नहीं है आज के बाद मैं हमेशा रोजेदार ही रहूंगा हर दिन रोजा ही रखता रहूंगा हर दिन रोजा ही रखता रहूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं जो मेरी शादी का वक़्त आ गया है मैं लेकिन शादी नहीं करने वाला हूँ क्यों अगर मैंने शादी कर ली निकाह कर लिया मैंने तो उसकी वजह से फिर बीवी के हकूब पूरे करने होंगे घरेलू मामला पूरे ठीक करने होंगे मेरा वक्त उसके अंदर खर्च हो जाएगा और उधर वक्त खर्च करते हुए इबादत के लिए मैं अपने आप को फारग नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए मैं तो निकाह करने वाला नहीं हूं फास्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन एवरी डे सो दैट एटलीस्ट आई कैन फील आईन सोम सेवरी नाइट आई एम गोइंग टू स्पेंड द होल नाइट इन i'm not going to sleep at all and the third one said i'm not going to marry because if i was to marry i will spend a lot of time fulfilling the needs of the family and the wife and the household chores and everything else that time i could spend in the worship of allah now when them three left while saying these words

दूसरे ने कहा मैं तो हर रोज़ रोज़ा ही रखता रहूँगा तीसरे ने कहा कि मैं तो रात को तहजद के अंदर गुजार दूँगा कभी सोऊंगा नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त जलाल में आ गए और वहाँ से अपने घर मुबारक से निकले और मम्बर की तरह तशील आए और फ़रमाया मा अकवामिन इन लोगों को क्या हो गया है कि एक कहता है कि मैं रोज़ा रखता रहूंगा हर दिन दूसरे ने कहा कि मैं रात को सोऊंगा नहीं पूरी रात तहजद के अंदर गुजारता रहूंगा और तीसरा कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा फरमाया मैं रोज़ा भी रखता हूं इफ्तार भी करता हूं मतलब एक दिन रोज़ा रखता हूं कभी रोज़ा रखता हूं कभी रोज़ा नहीं रखता हूं मैं शादी भी करता हूँ रात को सोता भी हूँ तहजद भी पढ़ता हूँ और फिर से, और से डरने वाला मैं हूँ नबी पाक ने फरमाया सबसे ज्यादा तकवेदार और सबसे ज्यादा मुत्तकी और अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा मैं हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं निकाह भी करता हूँ कभी रोज़ा रखता हूँ कभी इफ्तार करता हूँ रोज़ा नहीं रखता हूँ और रात को सोता भी हूँ तहजद भी पढ़ता हूँ घरेलू मामला भी पूरा करता हूँ गोया के हदीस का मफहूम है कि घरेलू मामला भी बाहर के मामल भी दुनिया के अमूर और दीन पर भी अमल करता हूँ फिर फरमाया फमन रग़बा सुनती फलई समी जो मेरी सुनत से मुँह मौ मोड़ेगा वो मेरी उम्म का हिस्सा नहीं है मेरी उम्म का हिस्सा और मेरी सुन्नत का तेरे के ये है कि आप दीन के ऊपर भी चलते रहो दुनिया के ऊपर भी चलते रहो ऐसे करते हैं कुछ कॉलें आई हुई हैं कॉल्स की तरफ जाते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे आ, चलो एक, एक आध कॉल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी कॉल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मौलाना साहब ये मैं कहना चाहती हूँ कि सब की मोहब्बत का आप आलम देखें कि इनकी मोहब्बत का मैर क्या था उनकी मोहब्बतों का मतलब अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत हो कि सब कुछ अपने कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अपने घर का सारा सामान जो है वो जो जंग हुई उनके लिए वक्फ कर दिया और बिल्कुल खाने के लिए भी फाके थे अगर मैं ये तो नहीं चाहती कि हम शह का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं था पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला के के साथ और दीन के साथ जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया उसका मैार क्या हमारा मैार क्या होना चाहिए मतलब इतने मैार से गिर चुके हैं कि वो जो शहबा इक्राम थे उनकी मोहब्बतों का आलम यह था कि शजात और शराफ़त सदाकत और इस तरह दयानतदारी में के मसाले उन्होंने कायम ऐसी मसाले बे मसाले जो है वो कायम कर दी जो कि इंसान का वजूद काम जाता है कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी कुर्बानियां दी तो उसके नतीजे में जो है वो ईमानदारी बैनतदारी और ये जितने भी खूबियाँ हैं वो सामने आती हैं लेकिन हमारी मोहब्बतों का मैवर जो है वो जब बदल जाता है हम दुनिया के साथ इतना अटैच हो जाते हैं हम मियाँ बीवी जो है वो मोहब्बतों का मैवर सिर्फ अपने आप को बना लेते हैं औलाद जो है वो अगर हमने अपनी सुनतों का तहयन नहीं किया तो हमारी नस्लों का क्या होगा उनका क्या मैार होगा ये कभी हम ऐसे सोथे? करते हैं सिस्टर आपकी बात बहुत कीमती है आप ऑन द लाइन रहें ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद अगर वक्त मेरा तो ज़रूर आपको वापस ले आएंगे तो आप फिलहाल ऑन ऑन द एयर यानी ऑन द लाइन ही रहना फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर इनशाला ब्रेक के बाद वापस आते हैं